विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कितनी भोर में चिड़िया उठकर अपने पंख फैलाकर उड़ान भर लेती है कि वो सीधा आसमान को छू लेती है। देखो कैसे गिर गया ये मूर्ख। किंतु वो तो तुम्हारा मित्र है ना? हाँ है ना, पर इसे गिरता देखकर कितना आनंद आया। किसी को भी मित्र कहकर जो मित्रता का धर्म ना निभाए वो मित्र नहीं होता। मित्र आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इस प्रकार जैसा गुरु ने कहा था वैसा ही करने लगा बालक तुलसी। जीवन की प्रत्येक घटना से सीख लेने लगा और जो ज्ञान के मोती उसे मिलते वो उन्हें शब्दों की सुंदर माला रूपी दोहों में पिरो देता। तुम्हें ज्ञात है ना आज तुम देरी से आए हो। क्षमा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव इसमें इसका कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी सहायता कर रहा था, अथवा मैं भी ना आ पाता। मित्र एक छोटी सी चोट क्या लगी तुमने, तुमने तो इतना बड़ा बहाना बना दिया। अगर तुम चाहते तो तुम स्वयं भी आ सकते थे। वत्स तुलसी आज की घटना से तुम्हें जो सीख मिली तुम सबके साथ बांटना चाहते हो। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। इसका अर्थ है अपने पहाड़ जैसे दुख को भूल समझकर और अपने मित्र के कण भर दुख को मेरु समझकर उसकी सहायता करने वाला ही वास्तविक मित्र होता है। इस प्रकार बालक तुलसीदास गुरु के कहे अनुसार जीवन के प्रत्येक पल ज्ञान सुधा बटोरता रहा, क्योंकि उसके मन में तो एक ही उद्देश्य था अपने प्रभु श्री राम से मिलना। और दूसरी ओर उसके पिता वहां के सभी आश्रमों में जाकर उसे ढूंढ रहे थे। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश्रुतः। रामो नाम नियत आत्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। क्या हुआ ऐसे विचलित होकर इधर उधर देख रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? ईश्वर मैं अपने पुत्र राम भोला को ढूंढ रहा हूं। अच्छा बताइए वो कैसा दिखता है? ईश्वर दुर्भाग्यवश मैं इतना जानता हूँ कि मेरा पुत्र गुरु नरहरि दास की देखरेख में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। श्रीमान मैं जानता हूं नरहरि दास जी का आश्रम कहां है, राम कथा सुनने जाना होता है मेरा वहां। बुद्धिमानी तिमांग वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण विपुलांसो महाबाहु कंभुग्रीवो महाहन। जो अति बुद्धिमान मर्यादा पुरुष अति सुंदर व्यक्तित्व और प्रतिभाओं के धनी वो है प्रभु श्री राम, जिनका कंठ शंख के समान सुंदर है, जिनका बाहुबल प्रबल है, महान इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाले
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु है श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। तुलसीदास, वत्स तुलसी कहाँ खो गए? मैं खोया नहीं हूं गुरुदेव, मैं तो स्वयं को पा रहा हूं। जैसा आपने कहा था उसके अनुसार ही जो भी मेरे निकट है उससे जीवन की सीख ले रहा हूं। एक चींटी से मैंने सीखा कि प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं अपनी क्षमता से भी अधिक भार लेकर चल सकता हूँ। एक पक्षी से मैंने सीखा प्रभु श्री राम का नाम लेकर मैं ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। नदी से मैंने सीखा प्रभु श्री राम के नाम की महिमा से मैं निरंतर गतिशील रह सकता हूँ। सब में तो प्रभु श्री राम का ही नाम जुड़ा है और उनके कारण ही सब अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक करते हैं। किंतु मेरा उद्देश्य क्या है गुरुदेव, पर उसका प्रभु श्री राम के नाम से क्या संबंध है? वो भी समय आने पर तुम समझ जाओगे वत्स, किंतु पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। आज तुम यहाँ क्यों आए हो? आज जब सभी शिष्य अवकाश के दिन का आनंद उठा रहे हैं तो तुम यहाँ क्यों हो वत्स? मैं क्या करता गुरुदेव, आपके शब्द मुझे यहाँ खींच लाए, वो मेरे कानों में पड़ने लगे और मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। मानो जैसे उनमें एक सम्मोहन हो जो मुझे यहाँ खींच लाए। और ये गुरुदेव, शब्द सुने तो मैंने किंतु आपके समझाने पर ही मुझे उनका अर्थ समझ आया और ऐसा लगा जैसे एक एक शब्द मेरे जीवन से जुड़ा हो। क्या तुम्हें ज्ञात है वत्स, मैं कौन से ग्रंथ का पाठ कर रहा था? नहीं गुरुदेव। संस्कृत भाषा में प्रभु श्री राम कथा का, संस्कृत रामायण का। तो क्या मैं ये ग्रंथ पढ़ सकता हूँ गुरुदेव? अवश्य पढ़ सकते हो, किंतु ये संस्कृत भाषा में है, इसलिए रामायण को पढ़ने और समझने के लिए तुम्हें सुंदर देव भाषा को समझना होगा, जिसका आरंभ कल से ही हो सकता है। कल मैं वराह क्षेत्र जा रहा हूँ, वहाँ प्रभु विष्णु के वराह अवतार का एकमात्र मंदिर है, मैं वहाँ रामायण पाठ करूँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। अवश्य गुरुदेव, अवश्य चलूँगा मैं। तो अब बालक तुलसीदास जीवन में पहली बार संपूर्ण रामायण का पाठ सुनने वाले थे। हाँ पुष्पदंत जी, और अगली सुबह गुरुदेव के साथ चलने के लिए तुलसीदास का उत्साह देखते ही बनता था। किंतु उनके आश्रम से निकलने के पहले ही उसके पिता का भी गुरु नर हरिदास के आश्रम में आगमन हो गया। गुरु, क्या ये नरहरि दास का आश्रम है? क्षमा कीजिए, मैं कुछ सुन नहीं सका, आप एक बार फिर पूछिए जो पूछना है। इनके संबंधियों का पता कर उन्हें सूचना पहुंचाओ, जब तक ये कुशल न हो जाते आश्रम में इनकी देखभाल होगी। गुरुदेव आप चिंता ना कीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। अब आप प्रस्थान कीजिए, नहीं तो मार्ग में ही रात हो जाएगी। उचित है, अब हम एक सप्ताह में लौट आएंगे। वत्स
वत्स तुलसी, अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ वत्स? इससे इनको थोड़ी सुविधा होगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य था आत्माराम का, अपने पुत्र से मिलकर भी उसे पहचानने से वंचित रह गया। हाँ पुष्पदंत जी, ये आत्माराम के कर्मों का फल था, किंतु अब तुलसीदास संपूर्ण रामायण का पाठ सुन अपने भविष्य की ओर बढ़ने वाला था। चित्रकूट के घाट। राम भोला मेरे पुत्र, मुझे अपने राम भोला के पास जाना होगा। रुक जाइए, ऐसे विचलित होने का कोई लाभ नहीं है। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। जाइए भैया। आपने अपनी अवस्था देखी, ऐसी अवस्था में आप कहां जाइएगा? राम, श्री राम, वीर हृदय की राम को सुनाए आज राम रघुराम, श्री राम कैसे ज्योति राम को देवो तुलसी, नयन स्वयं श्री राम तुलसी, तुलसी श्री राम, प्रभु श्री राम, श्री राम राम राम, प्रभु श्री राम। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको दीनदास, मैं अपने पुत्र को ढूंढने जाना चाहता हूँ वो हमारा क्षेत्र में। मैं समझता हूँ भैया। नहीं, तुम नहीं समझ सकते, हमारा वो नहीं, हमारा तो मैं हूँ। जाने में ही सही, उसे तो अपने पिता की सेवा का अवसर मिला, उसने मुझे कंबल उड़ाया, सर के नीचे तकिया दिया उसने, और मैं अभागा पिता उसे पहचान भी नहीं सका, उसे मिल नहीं पाया मैं। किंतु मैं जाऊंगा उसके बाद, उससे मिलूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं उसका पिता हूँ। किंतु भैया, आप अभी वराह मंदिर की यात्रा करने की दशा में नहीं हैं।
आप उससे मिलना चाहते हैं ना, तो हम यहीं रुक करके उसकी प्रतीक्षा करते। ऋषिवर ने कहा है कि गुरु नर हरिदास और राम भोला एक सप्ताह में लौट आएंगे। अब तो वो अवधि समाप्त होने को है। राम, हाँ। वत्स, प्रभु श्री राम। कैसी धुन में हो तुम? राम, चिंता मत करो। प्रभु श्री राम, राम। तुम्हें तुम्हारे हाँ। प्रभु श्री राम शीघ्र ही मिलेंगे। राम, श्री राम। आत्माराम का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और वो अब और भी आतुरता से अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर गुरु नर हरिदास तुलसीदास के उठने की प्रतीक्षा में थे। दो दिन बीत गए थे तुलसीदास को उस अवस्था में, इसलिए गुरु उसके प्रति चिंतित होने लगे थे। तुलसी उठो, तुलसी उठो, अपनी तंद्रा से उठो। वत्स, हे प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, हे प्रभु दया कीजिए प्रभु, इस नन्हे से भक्त आशीष दीजिए प्रभु, आप ही उसे इस अवस्था से निकाल सकते प्रभु। स्वामी वो संकट में है, हमें ही कुछ करना होगा। नहीं देवी, आप विचलित मत होइए, आपकी ममता अभी भी आप पर प्रभावित, इसीलिए आप देख नहीं पा रही कि वो संकट में नहीं साधना में है। इस निर्मल निर्दोष भक्त ने आज पहली बार अपने आराध्य श्री राम की कथा सुनी है, उसका प्रभाव इतनी शीघ्र कहाँ मिटने वाला है। किंतु फिर वो इस धुन से बाहर कैसे आएगा स्वामी? जब उसे उसके प्रभु के आशीर्वाद का आभास होगा, तभी वो इस धुन से बाहर आ पाएगा। प्रभु का चरणामृत तो उनका आशीष ही है। राम, राम, श्री राम, राम, श्री राम, श्री राम। चिंता मत करो वत्स, प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ। चिंता मत करो वत्स, प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ। भक्ति भाव से लीन होना भी एक प्रकार की पूजा है।
एक ओर तुलसीदास जी की ज्ञान प्राप्ति की ये प्रक्रिया 15-16 वर्षों तक इसी प्रकार चलती रही, वहीं दूसरी ओर उनके पिता का देहांत हो गया और फिर दीनदास उनका अंतिम संस्कार करने के पश्चात काशी के लिए निकल पड़े, जिससे वो वहां पहुंचकर तुलसीदास को उनके पिता के देहांत के बारे में सूचित कर सकें।